ओम शांति। आज साकार महावाक्य 25/7/2024 मधुर संतानगण बाजेली खेल जहाँकि पाद सहित मुंड लगाई लौटिबार खेल को मन पकाओ। यही खेल रे सारा सृष्टि चक्रर ब्रह्मा एवं ब्राह्मण मानक रहस्य समाहित हो रही। प्रश्न, संगम जुगरे बाबा ठारु केउ संपत्ति प्रत्येक संतान को प्राप्त होची? उत्तर, ईश्वरीय बुद्धि रूपक संपत्ति। ईश्वर भितर जो सब गुण रही आम को उत्तराधिकारी सूत्र दौंस तेणु आमर बुद्धि हीरा भली पारस हो जाए। आम ब्राह्मण हो बाबा ठारु बहुत बड़ा संपत्ति नौ एवं सर्वगुण से निजर अंटी भरुचु। ओम शांति। आज सद्गुरुवार बृहस्पतिवार दिन मानक भितरे केते उत्तम दिन थाए। बृहस्पति दिन को उच्च बोली कही थांते ना बृहस्पति अर्थात वृक्षपति दिन। यही दिन रे स्कूल बा कॉलेज रे विद्या आरंभ करी थांते। एबे तुम्हें माने जानछ जे ए मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षर बीज रूप होचंती बाबा एवं सीए अकाल मृत अटंती। अकाल मृत बाबांकर आमे अकाल मृत संतान। ए केते सहज कथा, केवल जोगरे ही मुश्किल रहिछि। जोग द्वारा ही विकर्म विनाश हुई थाए। तुम्हें पतित रू पावन मध्ये होच। बाबा बुझाउचंती तुम मानक उपरे एबे अविनाशी बेहदर दशा पड़िछि। गोटिए हदर दशा अन्यटी हेला बेहदर दशा। बाबा होचंती वृक्षपति। यही सृष्टि रूपी वृक्ष कल्प वृक्षर प्रथम ब्राह्मण बाहरी बाबा कहते मु वृक्षपति सत् चित आनंद स्वरूप। तांकर महिमा मध्य गान करुछंती ज्ञानर सागर शांतिर सागर। तुम्हें जानिछ सत्य युगर देवी देवता माने समस्ते शांतिर पवित्रतार सागर थिले। भारत सुख शांति पवित्रतार सागर थिला। सारा विश्व रे शांति थिला बोली कहा जायछि। तुम्हें माने ब्राह्मण अट, वास्तव में तुम्हें मध्य अकाल मृत अट। प्रत्येक आत्मा निज सिंहासन उपरे विराजमान रहिछि। यह है चैतन्य अकाल तखत। भ्रुकुटी मध्य अकाल मूरत आत्मा विराजमान करिछि जहाँ तारका बोली मध्य कहा जाउछि। वृक्षपति बीज रूप को ज्ञानर सागर कहते तेणु निश्चिंत भाव आसवा को पड़ब। प्रथम प्रथम ब्राह्मण आवश्यक जो मैंने कि प्रजापिता ब्रह्माकर पृष्य संतान तेरे मम्मा मध्य रहा दरकार। तुम मानक बहुत भल भाव बुझा जा जेपरी बाजेली खेली थांती ना तार मध्य अर्थ अर्थ बुझाउछंती। उपरे बीज स्वरूप शिवबाबा पुणी ब्रह्मा अछंती। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचना करा जायछि। वर्तमान समय रे तुम्हें कहो आमे ब्राह्मण ही पुणी देवता हेबु। पूर्वर आमे शूद्र बुद्धि थिलु एबे थरे बाबा आमको पुरुषोत्तम बुद्धि करुछंती। हीरा समान पारस बुद्धि करछंती। बाजेली खेल रहस्य को मध्ये बुझाउछंती। एठारे शिव बाबा मध्ये अछंती। प्रजापिता ब्रह्मा एवं पुष्य संतान माने मध्ये सम्मुखरे बसछंती। एबे तुमे माने केते विशाल बुद्धि संपन्न होछ। ब्राह्मण माने पुणी देवता हेबे। एबे तुमे ईश्वरीय बुद्धि संपन्न होछ। ईश्वर पाखरे जो गुण अछि ता तुमको संपत्ति आकार रे मिलुछि। बुझाइबा समय एक कथा को भूली जाओ नहीं जे बाबा नंबर वन ज्ञान सागर। तांको ज्ञानेश्वर बोली मध्य कहा जाउछि। सी ज्ञान सुनैला वाला ईश्वर अटंती। ज्ञान द्वारा ही सद्गति होइथाय। ज्ञान एवं योग द्वारा ही बाबा पतित मान को पवित्र करुछंती। भारतर प्राचीन राजयोग विख्यात अटे कहीं द्वारा ही भारत लोह जुगर स्वर्णिम जुग होइथाय। एक कथा तो बुझा जाउछि जे योग दुई प्रकार रो हट योग एवं राज योग। हट योग हद एवं एहा राज योग। दुनिया रे थिबा सन्यासी माने हद रे अटंती। तुमे माने होचो बेहद रे सन्यासी। से माने केवल घर द्वार छाड़ी थांती। तुमे तो सारा दुनिया रे सन्यास करुचो। एबे तुमे प्रजा पिता ब्रह्माकर संतान होइचो। एहा तुमरो छोटो नुहा वृक्ष। तुम्हे माने जानिछ आमे पुराणर नुआ होचु वर्तमान चारा लागुछि। वास्तव रे आमे बाजेली खेळुछु। आमे ब्राह्मण पुणी आमे ही देवता होचु। आमे ही
शब्द निश्चिंत भाव लिखा हेब केवल आमे बोली लेखना आमे माने ही शूद्र थिलु पुणी आमे ही ब्राह्मण हेउछु। एही बाजिली खेल को बिल्कुल भूलिबा उचित नुहे। एहा तो बिल्कुल सहज कथा, छोट छोट पिला माने मध्य बुझी पारिबे आमे किपरि 84 जन्म नेउछु, सिरिरे किपरि तल को आसीचु, पुणी ब्राह्मण हुई ऊपर को चढ़ुछु, अर्थात ब्राह्मण रु देवता होउछु। बर्तमान तुम्हें ब्राह्मण हुई बहुत भारी मात्रा रे संपत्तिर अधिकारी होउछ, निजर भाग्य रूपी अंटी भरपूर करुछ। शंकर को ज्ञान सागर कहा जाए नहीं, से कहार भाग्य रूपी अंटी भरपूर करी न थांती। एही भली चित्र तो केवल चित्रकार माने तैयारी कर दउछंती, तेनु एठारे शंकर कर कोनसी कथा नहीं। ब्रह्मा विष्णु एठाकार अटंती, लक्ष्मी नारायण कर जुगल रूप उपरे देखाई थांती। एहा तांकर ब्रह्मा कर अंतिम जन्म अटे, प्रथम प्रथम ये विष्णु थिले, पुणी 84 जन्म परे ब्रह्मा होचंती। बाबा कहचंती एहांकर नाम ब्रह्मा मु रखिछि, समस्तंकर नाम बदलाई दउछंती, काहेकि ना सन्यास करिछंती ना, बाबा बहुत रमणीक नाम सबू रखिछंती, समस्तंकर नाम बदलाई दउछंती काहेकि सन्यास करिछंती। तो तुम्हें जाणिछ एवं देखिछ मध्य वृक्षपति बाबा ए रथरे बसछंती। ए भ्रुकुटी रूपी सिंहासन शिव बाबांकर एवं ब्रह्मा बाबांकर मध्य। एही सिंहासन को बाबा धार सूत्र रे नै छंती, शिव बाबांकर त निजर सिंहासन नाही, कहउछंती मु ए रथरे विराजमान होई निजर परिचय दउछि, मु तुमर पिता, मु जन्म मरण रे आसु नाही, तुम्हें माने आसुछ, यदि मु मध्ये जन्म मरण चक्र रे आसीबे तबे तुमको तम प्रदान रु सत प्रदान किए करिव, पुणी सत प्रदान करिला वाला दरकार ना, सेतिपाई मोर एभली अभिनय रहिछि। मते तुम्हें डाकुछ मध्य हे पतित पावन आस, निराकार शिव बाबा को आत्मा मान डाकुछंती, काहेकि ना आत्मा मान दुखी हो जाइछंती, विशेष भाव भारतवासी आत्मा मान डाकुछंती जे आसी आम पतित मान को पवित्र कर। सत्ययुग तुम्हें बहुत पवित्र सुखी थिलो, तेनु सेठारे केबे भी डाकु नथिलो, तेबे बाबा कहचंती मु तुमको सुखी करी पुणी बानप्रस्त अवस्था रे बसी जाउछि, सेठारे मोर कोनोसी आवश्यकता नाही, भक्ति मार्ग रे मोर अभिनय रहिछि, पुणी मोर अभिनय अधाकल्प पर्यंत रहिब नाही। या तो बिल्कुल सहज कथा, एथिरे कहार हेले प्रश्न उठि पारिब नाही। गायन मध्ये रहिछि दुख में स्मरण सब करे, सत्य तृतीया जुगरे भक्ति रहिब नाही, तांको ज्ञान मार्ग बोली मध्ये कहा जाय पारिब नहीं, संगम जुगरे ही ज्ञान मिलुची, जहाद्वारा तुम्हें 21 जन्मर प्रारब्ध पाउछ, समस्ते क्रमानुसार पास एवं फेल होती, तुमर युद्ध चली, तुम्हें माने देखुच जो रथरे बाबा विराजमान अच्छा सीए तो विजयी हो जाऊँगी, पे अन्य पाने विजयी होपरी कुमारका एवं अन्य दादी माने, एमाने निश्चिंत भाव विजयी हेबे, एमाने अन्य मानको निज सम्मान करछन्ति, पुणी पिला माने एक कथा बुद्धिरे रखिबा उचित जे एहा मध्ये बाजेली खेळ, एक कथा छोट पिला माने मध्ये बुझी पारिबे, सेदिबे बाबा कहछन्ति छोट पिला मानको मध्ये सिखाओ, सेमानकर मध्ये बाबांक ठार संपत्ति नेबार अधिकार रहिछि, एठारे अधिक किछि कथा नै, ए ज्ञान को अल्प जानिले मध्ये ज्ञानर विनाश होइ न थाय, एमाने स्वर्ग त निश्चिंत आसिबे, जेपरी कृष्ण को द्वारा स्थापना करा जाय थाय, क्रिश्चियन धर्म केते बड़ एही देवी देवता धर्म सबठारो प्रथम एवं बड़ धर्म अटे, जहाँ कि दुई युग पर्यंत चालुची, तेणु निश्चिंत भाव यार संख्या मध्य अधिक हेबा दरकार, किंतु समस्त याकु हिंदू बोली कहि दउछंती, ए कथा मध्य कहउछंती जे 33 कोटी देवता रहिछंती, पुणी निज को हिंदू बोली काहेकि कहुछ, माया बुद्धि को बिल्कुल मारी देछि, सेतिपाई एही भली अवस्था होई जाइछि। बाबा कहुछंती माया पर विजय हेबा कौनसी कठिन काम नुहे, तुम्हें माने प्रति कल्पे विजय प्राप्त करुछ, तुम्हें माने सेना अटना, तुमको बाबा मिलिछंती, एही विकार रूपी रावण उपरे विजय प्राप्त करिबा पाई,
तुम उपर एत बृहस्पति दशा पड़ी केवल भारत उपरे ही एही दशा पड़ी थाए एबे तुम मानक एबे समस्त उपरे राहुल दशा पड़ी वृक्षपति बाबा आसुचंदे तेनु निश्चिंत भाव भारत उपरे बृहस्पतिर दशा पड़बना यही दशा ही अन्य सब कुछ समाहित हुए रही तुम्हें माने जानी छो आम को निरोगी शरीर मिली सेठारे मृत्युर नाम रहिबो नाही काईकि ना ताहा अमर लोक ना एपरी कहा जीव ना जे अमुक मरीगला मरिबार नाम ही सेठारे रहिबो नाही गोटी शरीर छाड़ी अन्य एक शरीर नेबे शरीर नेबा एवं छाड़ीबा समय खुशी रे रहिबे सेठारे दुखर नाम मध्य रहिबो नाही तुम उपरे एबे बृहस्पति दशा पड़ी समस्त उपरे तो बृहस्पति दशा पड़ी पारिब नाही स्कूल मध्य के पास पुणी के फेल मध्य होई थांती तेबे एहा मध्य एक पाठशाला तुम्हें माने कहो आम राजयोग शिखुचु ए राजयोगर शिक्षा किए दौंती अविनाशी पिता परमात्मा तेणु केते खुशी हेबा दरकार एथिरे आउ किछि कथा ही नाही मुख्य कथा हला पवित्रतार लेखा मध्य जाइछि हे पिला माने देह सहित देहर सब संबंध को छाड़ी मते मने पकाओ यही शब्द गीतारे मध्य रही वर्तमान से गीतार अध्याय चली अग्डम बग्डम कर अटारे लुणर मात्रा जी से मात्रार सत्यता रही कथा केतज जहाँकि छोट पाने बुझीपर तथा भूली जाऊँगी कहीं भक्ति मार्ग कहते बाबा आपण आसिले आम आपणकर आमर द्वितीय कई नहांती आम आपणकर हुई आपण संपूर्ण संपत्ति नबु संपत्ति नेबापी बाबा होती जेपर कई पोषिया हेले सी जाणी जानती जे आम को पिता कौन मिल तुम्हें माने पोषी हो तेणु तुम्हें माने जाच आम बाबा विश्वर राज्य तो अविनाशी संपत्ति रूप से नेबु अन्य कहा प्रति ममता रखिबु नाही जदि भी कहार लौकिक पिता थिबे तेबे तांको पाखरे केते संपत्ति थिबो अति बेसी लक्षे देढ़ लक्ष थिबो किंतु एही अविनाशी बाबा तुमको अविनाशी संपत्ति दौछंती तुम्हें माने अधा कल्प हम मिथ्या कहानी सब शुणी आसीच एबे बाबांक ठारु तुम्हें सत्य कथा शुणुच तेणु बाबा को मन पकाइबा उचित तांक ठारु ध्यान सहित शुणा उचित हंसुर अर्थ को मध्य बुझा दरकार मनुष्य मैंने तो कहीदे आत्मा ही परमात्मा यही चौराशी जन्मर कहानी को तो कही भी कही पारे ना बाबा कहते कुकुर बिले समस्त भितर अच्छा एपरी कही बाबा ग्लानी करा यह ड्रामार निर्धार्य अच्छी बाबा कहा को दोष दौना ड्रामा ही यही रचना हो तुमको जी ज्ञान द्वारा देवता करमें पुणी तक गाड़ी देवे लग पड़ यही तुम्हें माने बाजेली खेलुच ड्रामा ही यही रचना हो पुणी आसी तुम उपरे उपकार करुच्छे बाबा कहते मुझी एम कौन दोष ना यू है खेल यही कहानी मुम मानक बुझाऊँ यह हूँ सच्चा सच्चा कथा जहाद्वारा तुम्हें देवता हो भक्ति मार्ग पुणी ढेर कहानी रचना कर दौंट किंतु से किसी भी लक्ष्य उद्देश्य ना से सबू केवल पतित हेपाई विनाशी पाठशाल विद्या पाठ पढ़ु पुणी से शरीर निर्वाहर लक्ष्य रही पंडित लोक मैंने निजर शरीर निर्वाह पर कथा सबू शुणाई था लोक मान तो कथा शुणाई था सम्मुखें पैसा रखि था कि द्वारा प्राप्ति किसी भी होई तुमको तो ये ज्ञान रत्न मिलूँ जहाद्वारा तुम्हें माने नुआ दुनिया रा मालिक होच सेठारे तुमको सब जिन नुआ मिल नुआ दुनिया रे सब किछ नुआ हेबो हीरा लीरा आदि सब नुआ हेबो या बाबा कहते आउ सब कथा छाड़ी तुम्हें बाजेली को मन पकाओ फकीर माने मध्य बाजेली खेली खेली तीर्थ को जाय थांती के पुणी पादरे चाली करी मध्य जाय थांती एबे तो मटर उड़ाजहाज आदि बाहरी गला गरीब मैंने तो एथिरे जाई परिबे नहीं कई बहुत श्रद्धालु होइथिले पादरे मध्य चली चली जाई थांती
दिन को दिन विज्ञान द्वारा बहु सुख मिल चली हूँ कि क्षण सुख जदि तल को खसी पड़े तेरे केते क्षति हो सब जिनस क्षणस्थायी सुख ही रही बाकी अंतिम समय केवल मृत्यु ही भरी हुई रही हूँ साइंस तुम पाखे साइलेंस शक्ति रही बाबा को मन पकेवा द्वारा सब रोग समाप्त हो तुम्हें निरोगी हो तुम्हें जान सत्य जुगरे आमे सदा सुस्थ थिलु एही 84 जन्मर चक्र घूरी चली बाबा थरे मात्र से बुझाउछन्ति तुम्हें मोर ग्लानी करे मते चापुड़ा मारुछ ग्लानी करे करे तुम्हें शूद्र बुद्धि हो जाइछ शिख लोक माने मध्ये कहि थांते जपिले सायु को तेबे सुख मिलिबो अर्थात मन मना भव बाकी अधिक चिंता करिवार आवश्यकता नहीं एक कथा मध्ये बाबा से बुझाउछन्ति एबे तुम्हें माने जानछ सायु को मन पकाया द्वारा तुमको एक जन्म सुख मिलू जी गुरु नानक मध्य यही रास्ता बताऊँच किंतु पूरा जाणी ना स्मरण करे करे सुख पाओ तुम्हें माने जानिछ वास्तव रे सत्य युगरे रोग दुख इत्यादि कौन सी कथा रहिबो नाही यह तो साधारण कथा तांको सत्य युग स्वर्णिम दुनिया कहा जाउछि याको कली युग लोह दुनिया कहा जाउछि एही सृष्टि चक्र घूरी चली बाबा केते सुंदर भाव बुझाऊ बाजली खेल अटे ना एवं तुम्हें ब्राह्मण होइछ पुणी देवता हेब यही कथा को तुम्हें माने भूली जाऊ बाजली मने रहिले सारा ज्ञान मध्य मने रहिब एही बाबा को मने पकाई पकाई रात्रि सोई जीवा उचित तथापि कहते बाबा भूली जाऊ माया बारंबार भुलाई दौर तुम्हार माया सहित लड़े होधाकल्प तुम्हें तापर राजत्व करुच बाबा तो सहज कथा बताऊँ तेरे यार नाम रखा जाए सहज ज्ञान एवं सहज जोग तुम्हें केवल बाबा को मन पकाओ बाबा और तुमको कौन सी कष्ट दौना भक्ति मार्ग तुम्हें बहुत कष्ट साक्षात्कार गला काटा को प्रस्तुत हो जाती काशी कलभट खाई था अर्थात काशी तीक्ष्ण धारजुक्त खंडा खंजा होता कोरे आत्म आहुत दे था से भर जो मैंने निश्चय बुद्धि हो विकर्म विनाश होता है एवं जन्म नेला पुनर्वार नुआ हिसाब किताब आरंभ हो जाए किंतु से मो पाख को आसी न था मत मन पकाइबा द्वारा विकर्म विनाश हुए जीवघात द्वारा नुहे ता द्वारा मो पाख कहीं आसती ना यह केज कथा ये बाजली वृद्ध मानक मन होगा दरकार एवं पा मान मन रहा दरकार अच्छा धारणा पाई मुख्य सारांश एक नंबर वृक्षपति बापा ठार् सुख शांति पवित्रता रूपक संपत्ति नेबापी निज को अकाल मृत आत्मा मन कर बाबा को मन पकाइबा को हेब ईश्वरीय बुद्धि धारण करने को हेब दुई नंबर बाबा ठार् सत्य ज्ञान शुणी अन्य मानक शुणाइबा को हेब मायाजित होगापी समस्त को निज सम्मान कर सेवा करने को हेब बुद्धि रहुजे आमे कल्प कल्पर विजयी आत्मा बाबा आम साथी अच्छा बरदान निर्बल रु बलवान हुई असंभव को संभव करुवा हिम्मतवान आत्मा भव हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप यही बरदान आधार तुम्हें माने साहस सहित प्रथम दृढ़ संकल्प करुचे मते पवित्र हेबा को ही पड़िबो एवं बाबा मध्य पद्मगुण सहयोग दे कहले जे तुम्हें आत्मा माने अनादि आदि पवित्र आत्मा अट अनेक थर पवित्र होइच एवं आग को मध्य हब यही अनेक थर स्मृति द्वारा समर्थ हो जाऊच निर्बल रु एते बलवान हो जाऊ जहाँ कि चैलेंज मध्य करुछ जे आमे विश्व को मध्य पवित्र करी देखाइबु जहाँ को ऋषि मुनि इत्यादि महान आत्मा माने भावुले जे घर गृहस्थ पवित्र रहिबा कष्टकर अटे ताकू तुम्हें माने अति सहज बोली कहुछ
स्लोगान दृढ़ संकल्प करने को ही व्रत कहुए। सच्चा भक्त केबे हेले व्रत को खंडन करती ना। अच्छा, ओम शांति।